अचार किसी सादे से खाने को भी बहुत ही जायकेदार और चटपटा बना देता है, पर उसे अगर घर पे बनाने की बात करें तो लगता है कि काफ़ी मुश्किल होगा और इसे बार बार धूप दिखाना पड़ेगा। तो इसलिए मैं लेके आई हूँ आज राजस्थान की फेमस हरी मिर्च का अचार, जो कि एक इंस्टेंट अचार है। आप इसे आज ही बना सकते हैं और आज ही खा भी सकते हैं, या चाहें तो स्टोर भी कर सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं और डाल लेते हैं एक नज़र इंग्रेडिएंट्स पे। तो इस मज़ेदार अचार को बनाने के लिए हमने 150 ग्राम ले लिया है हरी मिर्च, इसे धोकर पोंछ कर रख लिया है। साथ ही हमें चाहिए होगा अदरक और लहसुन। 2 मीडियम साइज़ का लहसुन लिया है हमने और 2 इंच के करीब ही अदरक का टुकड़ा लिया है। इन्हें हम मोटर पेस्टल में अच्छी तरह से कूट लेंगे। आप चाहें तो मिक्सर में भी कर सकते हैं, पर बहुत ज़्यादा फाइन पेस्ट नहीं बनाना है इसका। साथ ही कुछ ड्राई मसाले लिए हैं, सरसों के दाने, सौंफ, ज़ीरा, ये सब 1 टीस्पून करके, और कलौंजी ली है हमने आधे चम्मच के करीब। साथ ही लिया है 2 टेबल स्पून भर के नमक। अचार बना रहे हैं तो नमक थोड़ा ज़्यादा ही चाहिए होगा। साथ ही ले लिया है हमने कश्मीरी लाल मिर्च। मिर्च का अचार है तो हमें मिर्च डालने की ज़रूरत नहीं, ये बस कलर के लिए हम कश्मीरी लाल मिर्च इस्तेमाल कर रहे हैं। साथ ही ले लिया हमने आमचूर पाउडर, थोड़ा सा हींग चाहिए होगा आधा चम्मच के करीब, और 1 टीस्पून भर के हमें सिरका चाहिए होगा। 2 टेबल स्पून हमने सरसों का तेल ले लिया है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मिर्चों को हम इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। आप अगर तीखा थोड़ा कम पसंद करते हैं तो आप चाहें तो इसमें से कुछ मिर्च का सीड डिस्कार्ड कर दें। इस तरह से काट लेना है। अब अदरक और लहसुन को मोटर पेस्टल में हमें क्रश कर लेना है। ऐसे तैयार हो जाएगा ये। अब ड्राई मसाले को हम थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे और इसे भी मोटर पेस्टल में कूट लेंगे। एक पैन में हमने सरसों का तेल ले लिया है। तेल को हम गरम होने देंगे और जैसे ही तेल गरम हो जाएगा अब इसमें हम डाल देंगे हींग। हींग डालने के बाद हमने क्रश किया हुआ अदरक और लहसुन, उसे भी डाल देना है। अदरक लहसुन डालने के बाद इसे हमें अच्छी तरह चलाना है और इसके सॉफ्ट होने तक थोड़ा सा पका लेना है। गैस की फ्लेम को हमने बिल्कुल लो पर कर दिया है और पूरे प्रोसेस में आपको गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो पर रखना है, क्योंकि हमें मसाले को जलने नहीं देना है। अब साथ ही हम ऐड कर देंगे और बाकी सारे इंग्रेडिएंट्स भी। अब जाएगा ये मसाला जो हमने मोटर पिस्टल में कूट कर रखा था। आप इसे भी चाहें तो मिक्सर में पीस सकते हैं, पर आपको इतना बस ध्यान रखना है कि थोड़ा दरदरा पीसना है इसे। थोड़ा सा इसे भी हम चला लेंगे जब तक कि अच्छी खुशबू नहीं आने लगे। तो मसाले की बहुत ही भीनी भीनी खुशबू आने लगी है। अब इसमें हम ऐड कर देंगे कश्मीरी रेड चिली, साथ ही आमचूर पाउडर भी ऐड कर देंगे। मिक्स करेंगे। अब सॉल्ट भी ऐड कर देंगे। सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद अब इसमें हम ऐड कर देंगे बारीक कटा हुआ हरी मिर्च। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब मिर्च भी हमारी थोड़ी सॉफ्ट हो गई है और मसाले इस पर अच्छी तरह से कोट हो गए हैं। अब गैस की फ्लेम को हम बंद कर देंगे और इसमें हम ऐड कर देंगे 1 टीस्पून के करीब सिरका। सिरका डालने के 2 फायदे होंगे, एक तो इसमें थोड़ी खटास आ जाएगी और दूसरा ये प्रिजर्वेटिव का भी काम करेगा। तो बस हमारा अचार बनकर तैयार है। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है अचार की। अब इसे हम चाहें तो एयरटाइट कंटेनर में स्टोर कर सकते हैं। हमने एक साफ जार ले लिया है और इसमें हम इसे स्टोर कर लेंगे। आप चाहें तो इसे स्टोर करें या आप अभी खाना चाहें तो अभी भी खा सकते हैं। ये बिल्कुल रेडी टू सर्व है।
आप चाहें तो इसे पराठे के साथ खाएं या दाल चावल के साथ, बहुत ही टेस्टी लगती है। आपको अगर मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ।